अपशगुन मानी जाती हैं ऐसी 10 घटनाएं। गलती से भी न करें इन्हें नजरअंदाज। एक, सुबह सुबह खाली रखी हुई बाल्टी को देखना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। जिस व्यक्ति को सवेरे ही खाली बाल्टी दिखाई देती है उसके कामों में उसे तमाम तरह की बाधाएं आने लगती है। बाथरूम में हमेशा बाल्टी को भर कर रखना चाहिए। दो, घर पर लोहे से बनी हुई चीजें रखने से बुरी आत्माएं नहीं भटकती, लेकिन कभी भी जंग लगी हुई लोहे की चीजें को घर पर नहीं रखनी चाहिए, इसे अपशगुन होता है। तीन, वैसे तो दूध का उबलकर गिरना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन दूध का जमीन पर गिरना अशुभ माना जाता है। जमीन पर दूध के गिरने से किसी बड़ी दुर्घटना या हानि होने का संकेत माना जाता है। चार, वास्तुशास्त्र में घर पर आईने का बहुत ही महत्व होता है। दर्पण या फिर शीशे से बनी हुई चीजें का टूटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। चटके हुए आईने में कभी भी अपना श्रृंगार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 1 साल से छोटे बच्चों को आईना देखना अशुभ होता है। टूटे हुए आईने को कभी भी घर पर नहीं रखना चाहिए। 5, घर के खाने की टेबल पर कभी भी छुरी कांटे को क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर के सदस्यों के बीच में झगड़ा और कलह बढ़ती है। इसके अलावा मेज से चाकू का नीचे गिरना भी अशुभ होता है। 6, शास्त्रों में कहा गया है कि घर पर रखी हुई झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू के ऊपर कभी भी पांव नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को खुली जगह पर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से यह माना जाता है कि व्यक्ति घर पर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। शाम के समय घर में झाड़ू लगाना अपशकुन होता है। 7, घर से काम पर जाते समय अगर छींक आ जाए तो इसे भी बहुत अपशगुन माना जाता है। घर से निकलते वक्त अगर छींक आए तो वापस घर के अंदर चले जाना चाहिए और पानी पीकर ही दोबारा निकलना चाहिए। 8, कभी भी जेब या फिर पर्स पैसों से खाली नहीं रखना चाहिए। जेब का खाली रखना अपशकुन माना जाता है। 9, घर पर मकड़ी के जाले का होना और चमगादड़ों का घर पर डेरा डालना बड़ी अपशकुन माना जाता है। इसके अलावा घर पर घायल या मृत्यु पक्षी आने से बुरा संकेत है। 10, घर पर बिल्लियों का रोना या फिर आपस में झगड़ा करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यह घर पर आने वाले समय में अप्रिय घटनाओं का संकेत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी यह टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही बॉल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।